बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मरियम स्टिचिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। व्यूवर्स, आज मैं आपको ये ख़ूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसका तरीका बहुत आसान है और जल्दी से बन जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये ख़ूबसूरत नेक तैयार करने के लिए मैंने ये फैब्रिक और बुकरम की दो स्ट्रिप्स ली हैं। इन स्ट्रिप्स की चौड़ाई 1 इंच के करीब है। इन स्ट्रिप्स को पहले इस फैब्रिक पर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद पानी लगाकर फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करते हुए स्ट्रिप तैयार कर लें। इसी तरह इस स्ट्रिप को भी तैयार करें। बड़ी स्ट्रिप की लेंथ 12 इंच है और इसकी लेंथ 10 इंच है। बड़ी पट्टी पर स्केल की मदद से बराबर फासले पर लाइन लगाएं। अब इस धागे से इस पट्टी पर सिलाई लगाएं। सिलाई इन लाइनों पर लगाएं। इस तरह सीधी सिलाई लगाकर डिज़ाइन बना लें। शर्ट के फ्रंट हिस्से पर इस तरह का राउंड नेक बना लें, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। राउंड नेक के लिए मैंने गहराई 5 इंच ली है और चौड़ाई 3 इंच ली है। आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक राउंड नेक की पैमाइश लें। अब यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएं। और इस पॉइंट से 3 इंच का निशान लगाकर कट कर दें। अब इन दोनों स्ट्रिप्स को यहाँ पर अटैच करेंगे। अब इन स्ट्रिप को ऊपर से बढ़ाकर रखते हुए सिलाई लगाएं। पहले सादा स्ट्रिप को दाएं तरफ अटैच करें। इस स्ट्रिप को नीचे वाले कट तक सिलाई लगाकर अटैच करें। इस स्ट्रिप को इस धागे से अटैच करें। नीचे वाली एक्स्ट्रा स्ट्रिप को तिरछे एंगल में कट करते हुए अलग कर दें। अब ऊपर वाली पट्टी को सीधा करते हुए सिलाई लगाएं। दूसरी साइड पर भी सिलाई को कंटिन्यू रखें। आगे बढ़ी हुई स्ट्रिप को फोल्ड करके सुई से अटैच कर लें। स्ट्रिप पर मैंने नीचे बटन लगाए हैं, आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।